नमस्कार, मैं पायल कनौजिया, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश, आधी रात में थाना का औचक निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों को दिए जा रहे दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशानुसार पुलिस की कार्य प्रणाली की समय समय पर समीक्षा हेतु पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा प्रदेश भर के जिलों में पदस्थ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के पालन में पुलिस अधिकारियों के द्वारा थानों का रात के समय औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुरैना जिले में बेहतर पुलिसिंग एवं कार्य प्रणाली की समीक्षा हेतु एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान एवं एएसपी डॉक्टर अरविंद सिंह ठाकुर द्वारा लगातार देर रात पहुंचकर अभी तक कई थानों का औचक निरीक्षण किया जा चुका है और यह क्रम आगे भी इसी तरह लगातार जारी रहेगा, जिससे कि जिले भर में बेहतर पुलिसिंग बनी रहे। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान द्वारा आधी रात में थानों के औचक निरीक्षण के दौरान थाने के मालखान, थाने के रजिस्टर पेंडेंसी, गुंडा बदमाश रजिस्टर, हवालात, थाना भवन की साफ सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, सीसीटीवी एनएस एंट्री चेक, थाने के सभी रजिस्टर अपडेट रखने और पानी की व्यवस्था सही तरीके से रखने हेतु निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही अपराध रजिस्टर, वारंटी की तामील, फरियादियों का एमएलसी रजिस्टर, गुंडा फाइल, निगरानी बदमाश फाइल, विवेचक केस डायरी का बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही थाना बल का रोल कॉल लेकर कानून व्यवस्था ड्यूटी के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं रात के समय थानों में औचक निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। देखिए, जो हमारी पुलिस की कार्यप्रणाली है उसमें एक विशेष महत्व रहता है पुलिस अधिकारियों द्वारा थानों के निरीक्षण का। तो इसी को देखते हुए जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा समय समय पर पुलिसिंग की व्यवस्था को बेहतर तरीके से और सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसी के तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारी जो है वो अपना थानों का जो है वो औचक निरीक्षण करते हैं। इस निरीक्षण में थानों की जो वर्किंग है उसका पूरा एक एनालिसिस किया जाता है। उसमें थानों के जो रिकॉर्ड्स हैं वो किस प्रकार से हैं, उनका अपकीप कैसा है, बाकी थानों की व्यवस्था कैसी है, थानों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या इश्यूज हैं, हवालात कैसी है, मालखाना कैसा है, कोई पुराने जो हमारे जब्ती के वाहन पड़े हुए हैं या जब्ती के अन्य माल पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें, और जो थाने का स्टाफ होता है उनका भी हम लोग चेक करते हैं कि वो प्रॉपर अपने एरिया में मौजूद है कि नहीं, कितने समय में उनका रिस्पांस टाइम है, अगर उनको टाइम दिया गया तो कितनी जल्दी सभी फॉलो इन हो सकते हैं थाने में। इस प्रकार से हम लोग ओवरऑल थाने की एक आकस्मिक, क्योंकि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए रहती है, तो इसके लिए हम लोग जो है औचक निरीक्षण करते हैं ताकि पुलिस की व्यवस्था सुचारू ढंग से चलती रहे। सर, इस निरीक्षण में क्या, देखिए इसमें जैसे मैंने बताया कि जो थानों में सबसे महत्वपूर्ण जो थाने के रिकॉर्ड्स होते हैं वो हम चेक करते हैं कि उसमें प्रॉपर तरीके से एंट्री हो रही है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से अपडेटेड है कि नहीं, कई चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक होने के बाद उनका प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं। इसके साथ साथ थानों में जो हमारे मालखाने हैं, हवालात हैं, उसमें प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं किस तरह से उनको मेंटेन करना है, कैसे वहाँ पर व्यवस्था रखनी है ताकि उसमें कोई घटना दुर्घटना ना हो जाए, उनको भी हम लोग देखते हैं। थानों में किसी प्रकार की कोई कमों पेशी हो तो उसके संबंध में क्या कार्रवाई एसपी के द्वारा की जा सकती है तो वो हम लोग प्रयास करते हैं। साथ में जो हमारा स्टाफ रहता है उसको हम लोग देखते हैं कि वो कितनी जल्दी, कितने शॉर्ट नोटिस में जो है वो थाने में उपस्थित हो सकता है। रात में जो एक ऐसा टाइम रहता है जब कि व्यक्ति घर में सो रहा हो या कहीं अन्य जगह हो तो कितनी जल्दी आ सकता है अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो, और यही सारी चीज़ें जो है हम लोग थानों में देखते हैं। सर, अभी तक ऐसा कोई कुछ एक जगह कुछ पॉइंट्स आए थे तो उसके संबंध में संबंधित थाना प्रभारियों को बताया गया था, कुछ जगह रिकॉर्ड्स में कमी थी तो उनको बताया गया, उसको टाइमली वो अपडेट करते रहे, और जो उनके पॉइंट्स इश्यूज आ रहे थे थाने वाले जो थाना प्रभारी वगैरह कुछ कुछ अपने पॉइंट्स में जो फेस कर रहे थे उन्होंने भी वो बताए थे। कई बार दोनों साइड से भी पॉइंट रहता है, कई बार हम लोग की साइड से भी कुछ एफर्ट्स की ज़रूरत होती है वो भी हम लोग करते हैं। कई जगह कुछ जगह जो लोग समय से नहीं आ पाए थे तो उनको गैरहाजिरी डाल के उनको जो है हिदायत दी गई कि वो प्रॉपर आगे से इस चीज़ का ध्यान रखें और समय से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। कोई कहीं कोई कमी पेशी थी हवालात वगैरह में कुछ तो संबंधित थाना प्रभारियों को बताई गई कि उसको वो प्रॉपर कर लें।